हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है हरियाणा बीपीएल परिवार के लिए। जी हां, अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है वीडियो देखिएगा अंत तक, अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो भी देखिएगा वीडियो अंत तक, क्योंकि आप सभी के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं भाई। आप सभी जानते हैं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस प्रकार से हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए हैं, जी हाँ वहीं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही बहुत से बीपीएल राशन कार्ड काटे भी गए हैं भाई। तकरीबन 9 से 12 लाख बीपीएल राशन कार्ड कटे हैं भाई, और उनके राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं। लगातार जो यहाँ पे परिजन हैं दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए आप सभी के लिए। जी आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें, अब आपके गांव-गांव में जी हाँ कैंप लगाए जा रहे हैं। आपके गांव में कैंप लगाए जाएंगे। परिवार पहचान पत्र में कोई भी गलती हो, किसी भी प्रकार की, चाहे इनकम ज़्यादा हो, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो, चाहे बिजली बिल के वजह से कटा हो, किसी भी वजह से आपका राशन कार्ड कटा हो, तो आप सभी के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है, आपका तुरंत समाधान किया जाएगा। आपके गाँव में आपके कैंप लगाए जाएंगे। वहीं आपको बता दूँ, ये 25 जनवरी 2023 तक कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है, आदेश जारी कर दिए गए हैं। वही मैं आपको बता दूं, हरियाणा बीपीएल परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा और कर दी है। कि आपको बता दें, पहले सरसों का तेल हरियाणा में मिलता था, अब सरसों के तेल के यहाँ पे पैसे मिलेंगे। 250 रुपये मिलते थे पहले, अब 300 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि हर परिवार को 300 रुपये हर महीने दिए जाएंगे उनके बैंक अकाउंट में। आपको बता दें, आपकी फैमिली आईडी में जो मुखिया है उनके जो बैंक अकाउंट लिंक है उसमें 300 रुपये सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे। वही मैं आपको बता दूँ, हरियाणा में बीपीएल परिवार को, जी हाँ बीपीएल परिवार को सीईटी में, जी हाँ हरियाणा में सीईटी में 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे।